तो कैन यू सी माय स्क्रीन? तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि हाउ पावर बिल्डर जनरेट्स द इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट फॉर द डेटाबेस, राइट? तो ये कैसे जनरेट करता है ये हमें समझना है, राइट? क्यों? क्योंकि इंसर्ट क्या है? इंसर्ट है नया स्टेटमेंट, मीन्स यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। अपडेट क्या है? यू वॉन्ट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा। डिलीट क्या है? डिलीट करने जा रहे हो। तो हाउ पावर बिल्डर यू नो जनरेट्स दिस, हाउ पावर बिल्डर यू नो लाइक मेंटेन दिस स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स, राइट? तो पावर बिल्डर ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कि काम करते हैं कि लेट्स क्रिएट फोर बफर्स। बफर इज व्हाट? बफर एक तरह का आप बर्तन समझ लो एक तरह से, ठीक है? एक प्लेस समझ लो, एक प्लेस होल्डर समझ लो, एक रूम समझ लो, ठीक है? बेस मींस ओके। तो अब ये तो हो गए बफर्स। एक होता है रो स्टेटस और एक होता है अपडेट प्रॉपर्टीज। ये बड़े काम की चीज है तीनों, ठीक है? रो स्टेटस होता है हमारे पास, रो स्टेटस होता है हमारे पास नॉट मॉडिफाइड, एक होता है डेटा मॉडिफाइड, एक होता है न्यू और एक होता है न्यू मॉडिफाइड, ठीक है? तो बेसिकली पावर बिल्डर जनरेट्स दी डीएमएल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन रो स्टेटस, बेस्ड ऑन रो स्टेटस। अगर किसी रो का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड है, इट मीन्स दैट देर इज नो चेंज इन दिस रिकॉर्ड। इट मीन्स दैट नो नीड टू टेल डेटाबेस कि आपको इस रो पे कोई एक्शन लेना है। डेटा मॉडिफाइड मीन्स यू हैव डन सम चेंजेस इन दी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो आपको इसके लिए अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करना चाहिए। न्यू मीन्स अरे एक ब्लैंक रिकॉर्ड है, उसको भेज करके आप डेटाबेस में क्या करोगे, मीन्स नो एक्शन। ओके, न्यू मॉडिफाइड मीन्स यस एक ब्लैंक रिकॉर्ड था और उसमें आपने कुछ डेटा डाल दिया है, इसलिए आपको इसका न्यू मॉडिफाइड, इसलिए आपको इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट करना है, राइट? तो बेसिकली नो एक्शन, नो एक्शन, ओके, अपडेट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, करेक्ट? तो अब ये रो स्टेटस क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा था एक रिट्रीव फंक्शन, ओके? सो व्हाट दिस रिट्रीव फंक्शन डज? रिट्रीव फंक्शन रिट्रीव्स द डेटा एंड कीप्स इन प्राइमरी बफर। जितना भी डेटा वो लेकर के आया है डेटाबेस से, वो सारा का सारा प्राइमरी बफर के अंदर रखता है। उस टाइम पर सारे रिकॉर्ड्स का स्टेटस क्या होगा? नॉट मॉडिफाइड, अभी कुछ किया ही नहीं है हमने। अच्छा, जैसे ही आप उसके अंदर, अब आप क्या करोगे, उस रिकॉर्ड के अंदर या तो कुछ चेंज कर सकते हो, करेक्ट? जैसे ही आप उसके अंदर कुछ चेंज करते हो, उसका स्टेटस हो जाता है डेटा मॉडिफाइड, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आया था भाई, आपने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, तो उसका स्टेटस क्या हो गया, डेटा मॉडिफाइड। अभी क्या हुआ कि मान लो आपने कहा नहीं यार ये रिकॉर्ड ना गलती से इंसर्ट हो गया था, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो व्हाट विल यू डू? यू विल रन डिलीट रो फंक्शन, राइट? डिलीट रो फंक्शन, व्हाट डिलीट रो फंक्शन डज? डिलीट रो फंक्शन डिलीट्स द रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी बफर।
it does not delete the record directly from the database. What it does basically, it deletes the record from primary buffer. और यहां से भी क्या करता है, basically यहां से move कर देता है data buffer में, primary buffer से delete buffer के अंदर. और आपको यहां से, और जो भी data हमें दिखता है वो कौन से buffer से दिख रहा होता है, प्राइमरी बफर से. स्क्रीन पर जो पावर बिल्डर की स्क्रीन पर डेटा दिखता है वो आप केवल प्राइमरी बफर की स्क्रीन से दिखता है. परफेक्ट. उसके बाद अगर आपने कुछ डेटा के अंदर चेंज किया है तो उस रो का स्टेटस क्या हो जाता है, डेटा मॉडिफाइड. अगर डिलीट किया है तो वो रिकॉर्ड वहां से हटके प्राइमरी बफर से डिलीट बफर में मूव कर जाती है. अच्छा, जब आपने डेटा मॉडिफाई किया था कुछ तो उसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो मूव हो जाता है ओरिजिनल बफर में. ऐसा क्यों होता है, भाई मान लो आपने क्या किया, रिट्रीव फंक्शन कॉल किया, dw_retrieve, तो वो क्या करेगा, SQL स्टेटमेंट रिट्रीव चलाएगा, रिट्रीव हो जाएगा, रिट्रीव करके आपको दिखा देगा. अब आप मान लो एक नाम दिख रहा है विनेश, विनेश की जगह अमित चेंज कर दिया, अमित की जगह भवन चेंज कर दिया, आप करते जा रहे राइट. तो वो थोड़ी सबका रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, वो तो जो फाइनल रहेगा उसमें उसको लेकर के चला जाएगा. लेकिन उसको ये तो पता रहना चाहिए कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, क्योंकि जब वो अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करेगा उस टाइम पर वो ले जाएगा कि अपडेट दिस टेबल सेट दिस वैल्यू वेयर नेम वॉज द ओरिजिनल नेम जो मैं लेकर के आया था. राइट. तो पर्पस समझ में आ गया ओरिजिनल बफर का. ओरिजिनल बफर का पर्पस क्या है, ओरिजिनल जब भी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ चेंज होता है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल डेटा है, इट गोज टू दी ओरिजिनल बफर. क्यों जाता है, देखो हर चीज का एक रीजन होता है, पर्पस होता है, सो दैट पावर बिल्डर कैन जनरेट दी वेयर क्लॉज ऑफ अपडेट स्टेटमेंट. भाई डिलीट में और आपके अपडेट में अगर वेयर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी टेबल पे चल जाएगा, विच इज नॉट राइट. राइट. तो अब यूज भी समझ में आएगा आपको ओरिजिनल बफर का. भाई ओरिजिनल बफर इज यूज्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इफ अ रिकॉर्ड इज चेंज्ड इन प्राइमरी बफर. सो it helps to generate the where clause of for that particular record which is changed in primary buffer. Perfect. filter buffer kya hota hai, filter buffer actually kya hota hai, jab aapke paas data aata hai, maan lo select star from this table where nahi lagaya aapne, aise hi kar diya, puri table ka data aa gaya, to wo jo data aata hai us data ko aap पावर बिल्डर के एंड पर भी फिल्टर कर सकते हो. डेटा विंडो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है फिल्टर, सॉर्ट, राइट, और ऐसी अपडेट प्रॉपर्टीज भी होती है. तो वहां पे जा करके आप अगर ये कंडीशन दे दो कि भाई मुझे केवल डिपार्टमेंट इक्वल टू 10 या डिपार्टमेंट इक्वल टू HR के HR डिपार्टमेंट का ही डेटा दिखाई दे, आपने एक फिल्टर वहां पर डिफाइन कर दिया, तो डेटाबेस तो पूरा आया लेकिन आने के बाद केवल दिख वो रहा है जिसकी वो कंडीशन मैच हो रही, राइट. तो यानी कि अगर आपने कोई ऐसा फिल्टर यूज किया है तो जो अनमैच्ड डेटा होगा, जो अनमैच्ड डेटा होगा वो प्राइमरी फिल्टर बफर में चला जाएगा, और जो मैच हो रहा होगा उस कंडीशन से, या मैं कहूं नेम इक्वल टू अमित, राइट, तो अमित वाला रिकॉर्ड प्राइमरी में दिखाई देगा और जो अमित वाले रिकॉर्ड नहीं होंगे वो फिल्टर बफर में चले जाएंगे. इसमें बंदे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को कि फिल्टर बफर के अंदर कौन सा डेटा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, द डेटा विच इज अनमैच्ड डेटा गोज टू द फिल्टर बफर. जो मैच्ड डेटा है वो तो प्राइमरी बफर में रखा जाएगा ना दिखाने के लिए यूजर को. तो ये चारों बफर आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए. अच्छा, अब जब आप ओके आर ई बी आर आई बी रिट्रीव और एक अपडेट,
जब आप अपडेट फंक्शन कॉल करते हो तो ये सारा काम होता है। क्या काम होता है? एक्शन में आ जाता है पावर बी आई। बताओ क्या कर रहा है? अपडेट फंक्शन जब कॉल होता है तो कौन बताएगा उसको? भाई प्रोग्रामिंग ही बताएगी उसको। व्हाट अपडेट फंक्शन डज? अपडेट फंक्शन चेक्स दिस ऑल दीज बफर्स एंड द रो स्टेटस, एंड बेस्ड ऑन द रो स्टेटस एंड बफर्स इट जनरेट्स द डीएमएल स्टेटमेंट। इसीलिए मैं अपडेट फंक्शन से पहले क्यों कह रहा था कि इंसर्ट रो फंक्शन इंसर्ट्स ओनली ए ब्लैंक रिकॉर्ड इन पावर बिल्डर इन डेटा विंडो कंट्रोल, राइट? क्यों? क्योंकि अपडेट फंक्शन असली काम करता है उसको डेटाबेस तक ले जाने के लिए, राइट? तो अगर उसका स्टेटस उसने देखा, हे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय रिकॉर्ड, डेटा मॉडिफाइड, चलो भाई अपडेट स्टेटमेंट बना दो इसके लिए, इस रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, न्यू मॉडिफाइड, चलो भाई इंसर्ट स्टेटमेंट बना दो इसके लिए, और डेटाबेस के पास लेकर के चलते हैं, उससे कहेंगे कि एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स, दैट्स इट, राइट? अच्छा, लेकिन इसमें तो क्या है भाई, अपडेट है और इंसर्ट है, राइट? अपडेट है और इंसर्ट है, बाकी हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट स्टेटमेंट कैसे जनरेट करेगा? वो डिलीट बफर को चेक करता, डिलीट बफर में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े होंगे उन सब के लिए वो क्या करेगा? डिलीट स्टेटमेंट जनरेट करेगा, डिलीट स्टेटमेंट जनरेट करेगा और डेटाबेस के पास लेकर के चला जाए। तो प्राइमरी बफर का यूज समझ में आ गया, डिलीट बफर का यूज समझ में आ गया। और ये आप इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई डिलीट बफर के अंदर डेटा कब जाता है? तो आप कहोगे व्हेन यू कॉल डिलीट रो फंक्शन ऑफ पावर बिल्डर, सो व्हाट इट डज, इट रिमूव्स और इट ट्रांसफर, रिमूव कहना अच्छी बात नहीं होगी, मूव कहना अच्छी बात होगी, इट मूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी बफर टू डिलीट बफर। एक होता है कॉपी पेस्ट, है ना, एक होता है मूव। मूव का मतलब ये कि यहां से हटा के यहां रख दो, कॉपी पेस्ट का मतलब ये कि यहां तो रखे एक और यहां पे क्रिएट कर दो, नहीं। इट क्यों करता है ऐसा? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल टू द यूजर दैट योर रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम प्राइमरी बफर टू डिलीट बफर, राइट? ओके, सो अब आ गया तीनों स्टेटमेंट कैसे जनरेट होंगे। डिलीट स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द डिलीट बफर, बट insert and update functions, sorry, statements are generated based on the row status. अब इस update property का क्या काम है? Actually, मुझे किस table के लिए ये insert, delete, update बनाने हैं, वो कहां से पता चलता है? अपडेट प्रॉपर्टीज से। अच्छा, मुझे वेयर क्लोज, तो ठीक है, वेयर क्लोज के लिए वैल्यूज कहां से मिलती है? ओरिजिनल बफर से। बट किन किन कॉलम को लगाना है मुझे, वो कहां से पता चलता है? अपडेट प्रॉपर्टीज से। तो एक तो ये हो गया, यानी कि अपडेट प्रॉपर्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू जनरेट दी डिलीट अपडेट फंक्शन, डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये टेबल का नाम बताती है, किन किन कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में बताती है, वेयर क्लोज किस तरह का बनना चाहिए उसके बारे में बताती है, राइट? तो ये तीन काम के लिए ये अपडेट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा काम आती है। अभी जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है ये बेसिकली। तो ये जो चीजें हैं आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि सी एक्चुअली होता क्या है कि पावर बिल्डर अपना आप करता है सारी चीजें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ पावर बिल्डर वर्क्स व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन। ओके, सो दिस इज लाइक कोर है, यस, मतलब इतना बढ़िया इन लोगों ने 35 साल पहले या 40 साल पहले पुरानी लैंग्वेज है ये,
आपसे आपके जन्म के पहले की लैंग्वेज है, कि उन लोगों ने इतना बढ़िया क्रिएट किया था कि इसमें एरर के चांसेस आने बहुत कम होते थे, बहुत कम। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मार्केट में यूज हुआ है और आज की डेट में भी जा नहीं रहा है। पता नहीं कब से, 10 साल से, 20 साल से सुन रहे हैं कि नहीं, पावर लूडर इज गोइंग फ्रॉम द मार्केट। नो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। क्यों एप्लीकेशन है बढ़िया? इसका एक और रीजन है। वो क्या रीजन है? जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, नो डाउट हर हर चीज के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। ओके, वेब बेस्ड के अलग बेनिफिट्स हैं और इसके अपने अलग बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या वेब बेस्ड का, कि आपको कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यूआरएल ओपन करो और यूज करना शुरू हो जाए। यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए और हो गया आपका काम। इसमें क्या है, इसमें भाई आपको पावर बिल्डर की एग्जीक्यूटेबल आपकी मशीन पे होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज इट, राइट? नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटाबेस से एक सीक्वल डेटा लेकर के आ गए अपनी लोकल मशीन पर। अब जो फिल्टर है, सॉर्ट है और जो दूसरे फंक्शंस हैं, वो आप अपनी मशीन के मतलब पावर बिल्डर के यूज कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ कि जो डेटा प्रोसेसिंग थी, वो आपने आधा काम अपने घर पे लाके कर लिया। ऑब्वियसली भाई, आप हर चीज के लिए अगर दुकान के पास जाएंगे तो रश, भाई आपका नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे भाई, आप दाल चावल जितनी भी चीजें हैं एक बार लेकर के आ गए और फिर उसको धीरे धीरे आप यूज करते रहते हो, राइट? तो इससे आपको बार बार मार्केट नहीं जाना है। ओके, तो कहने का पर्पज ये है कि मोस्ट लाइक यू आर रिड्यूसिंग द डेटाबेस इंटरैक्शन। ओके, यू आर रिड्यूसिंग दी नेटवर्क ट्रैफिक एंड बिकॉज ऑफ दैट योर एप्लीकेशन पावर इंक्रीज्ड, परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग अगेन एंड अगेन टू द डेटाबेस। वाई? अ डेटाबेस इज लाइक इज ऑन ए सेंट्रल लोकेशन जिसको हर कोई यूज कर रहा है। तो आपने वहां से डेटा ले आए और फिर जैसे देखना है, फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, वो सब आपने अपनी मशीन पे कर लिया। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस बफर्स लाइक प्रोवाइडेड पावर बिल्डर, इसने पावर बिल्डर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अभी तक और कोई लैंग्वेज तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है जो इसका मुकाबला कर सके। बट कुछ और बस वही है कि चूंकि इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन इसकी एक सी आपकी मशीन पे होनी चाहिए, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। एनीवे, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दोस थिंग्स कि क्या इसका ऐसा है कैसे है, बट यस, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग, तो आई थॉट आई लेट मी टेल यू, राइट? तो ऐसा करके, इसीलिए अब आप, इसीलिए लोग आपसे बार बार ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और बताओ पावर बिल्डर के, इसके डेटा विंडो कंट्रोल ऑब्जेक्ट के बारे में और बताओ और बताओ। तो वो जानना चाहते हैं आपसे कि डू यू हैव द नॉलेज ऑफ बफर्स, डू यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर पावर बिल्डर दिस डेटा विंडो कंट्रोल, डू यू हैव द नॉलेज ऑफ अपडेट प्रॉपर्टीज, डू यू हैव द नॉलेज ऑफ रो स्टेटस, डू यू हैव द नॉलेज ऑफ कॉलम स्टेटस। अब इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन, कि जी जब मैंने डेटा डिलीट कर दिया, अगर मुझे प्रोग्रामेटिकली डेटा को डिलीट बफर से प्राइमरी बफर में वापस लाना है तो क्या होगा, कैसे ला सकता है, राइट? या मुझे कहीं किसी पॉइंट पर उस रिकॉर्ड की ओरिजिनल वैल्यू अगर चेक करनी है तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, या इसके जो मेन इवेंट्स होते हैं डेटा विंडो कंट्रोल के, मेन इवेंट्स DWW होते हैं, रिट्रीव, स्टार्ट, रिट्रीव, एंड, आइटम चेंज्ड, आइटम एरर, ठीक है? दीज आर द मेन आइटम फोकस्ड चेंज्ड।
इसमें फंक्शन सबटेक्स्ट राइट जो हमने पीछे लिखे हुए थे सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट तो ये इसके मेन मेन इवेंट्स होते हैं, इनका क्या यूज होता है। तो ये इसीलिए यू नो पीपल वांट्स टू नो मोर ऑफ लाइक यू नो डेटा विंडो कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि और चीजें तो छोटी मोटी हैं, वो तो आप कर ही लोगे। इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है कहानी, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से अपडेट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, जल्दी से अपडेट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि उसमें क्या है बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो एक ही टेबल यूज करते हैं एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो फिर इसको ये पता। अच्छा, पहले तो ये बता देता हूं आपको कि अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं आया, या इसमें से अभी कुछ डाउट है। ठीक है, तो देखो, तो अभी मैं जल्दी से समराइज करता हूँ। जैसे ही आप रिट्रीव फंक्शन कॉल करते हैं, डेटा कहाँ आता है? प्राइमरी बफर में। हम केवल प्राइमरी बफर का डेटा ही देख सकते हैं स्क्रीन पर, नंबर वन। नंबर टू इज कि अगर आप कोई रिपोर्ट डिलीट करते हैं तो वो प्राइमरी बफर से मूव होकर के डिलीट बफर में चला जाता है। और डिलीट कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिलीट रो फंक्शन। ओके, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और डिलीट रो फंक्शन एक बार में एक ही रो डिलीट करती है, करेक्ट? ओके, नाउ यू रिट्रीव इट एंड यू डिलीटेड फ्यू ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच यू डोंट वांट टू कीप इन द डेटाबेस, राइट? अच्छा, नाउ देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स यू वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ दोज रिपोर्ट्स, राइट? सो व्हाट यू विल डू इज यू विल चेंज इन द स्क्रीन, राइट? जब आप चेंज कर देते हैं, अच्छा तो हो जाता है। फिर उसके बाद अब फाइनली सब कुछ करने के बाद जब आप अपडेट फंक्शन कॉल करते हो तो क्या होता है? अपडेट फंक्शन जनरेट्स दी डीएमएल स्टेटमेंट्स फॉर दी डेटाबेस। अच्छा, वेरी गुड। तो हाउ इट जनरेट्स? इट जनरेट्स बेस्ड ऑन दी रो स्टेटस। मैं आपने 10 रिकॉर्ड आए थे, 10 रिकॉर्ड के 10 रिकॉर्ड का वो रो स्टेटस चेक करेगा। नॉट मॉडिफाइड और न्यू के लिए वो कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई डेटा आपने चेंज किया है तो उसका स्टेटस डेटा मॉडिफाइड, जैसे आप चेंज करते हैं ना डेटा, उसका स्टेटस उसी टाइम पे वो डेटा मॉडिफाइड कर देता है। और जब वो डेटा मॉडिफाई करता है तो उसका वो उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट जनरेट कर लेता है। ऐसे ही न्यू मॉडिफाइड, जिस किसी न्यू मॉडिफाइड कब होता है? आपने क्या किया? इंसर्ट रो फंक्शन कॉल किया। उसके बाद जैसे इंसर्ट रो फंक्शन कॉल करते हो क्या होता है? इंसर्ट रो फंक्शन कॉल करने के बाद वो एक उसमें ब्लैंक रो क्रिएट कर देता है। उस टाइम पर उसका स्टेटस क्या होता है? उस टाइम पर उसका स्टेटस न्यू हो जाता है। जैसे ही आप कुछ वैल्यू टाइप करते हो किसी कॉलम के अंदर तो उसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड हो जाता है ना। अब आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है, यू कॉल्ड ए फंक्शन इंसर्ट रो। जैसे ही आपने इंसर्ट रो फंक्शन कॉल किया तो एक ब्लैंक रो हो गई। फिर आपने मान लो उसके अंदर 5 कॉलम थे, किसी एक कॉलम के अंदर आपने क्या किया? कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन सेट आइटम फंक्शन के हेल्प से, सेट आइटम फंक्शन की हेल्प से आपने कुछ वैल्यू सेट कर दी कॉलम्स में। तो जी फिर क्या होगा? बिकॉज विनेश ने तो बताया था कि कुछ टाइप करते हैं तो इसका स्टेटस न्यू से न्यू मॉडिफाइड हो जाता है। हमने टाइप तो नहीं किया लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमने सेट आइटम चला दिया, तो बात तो ये की है ना भैया, कॉलम के अंदर वैल्यूज आ गई है तो उसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। या फिर कोई कहेगा, अच्छा जी मैंने अभी कॉलम के अंदर टाइप करना शुरू किया था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया, उसकी वैल्यूज को हटा दिया वहां से, राइट, बैक स्पेस की दबा दबा के, तो क्या मेरा ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, उसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड, सॉरी न्यू ही रहेगा। होता क्या है कि जब आप किसी रिकॉर्ड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालते हो,
कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करते हो या जो भी कुछ करते हो, तो उसका, वैसे इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि डालने के बाद मान लो मैं कहीं और मूव कर गया और बाद में उसकी वैल्यूज को मैंने वहां से हटा दिया, तो उसका स्टेटस न्यू रहेगा कि न्यू मॉडिफाइड रहेगा? हटाने के हटा दिया मतलब, तो हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर। देखो कुछ कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो उस चीज के बारे में सामने वाले बंदे को अपने हिसाब से बता सकते हो और कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट? तो उसको आप ये बोलोगे, सर एज फॉर एज आई रेड और आई अंडरस्टैंड, व्हेनेवर लाइक यू स्टार्ट टाइपिंग समथिंग एंड यू मूव फ्रॉम वन कॉलम टू द अदर कॉलम, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी कॉलम के अंदर कुछ टाइप करते हो तो वो एडिट बफर, एक और बफर होता है दैट इज कॉल्ड एडिट बफर, उसके अंदर टाइप होता है। जैसे ही आप दूसरे कॉलम में जाते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप दूसरे कॉलम में जाते हो तो एडिट बफर इस कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम पे मूव कर जाता है आपसे इनपुट लेने के लिए। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन टाइप करते हो वो एडिट बफर के अंदर जाती है, फिर वो क्या करता है, कुछ जब आप दूसरे कॉलम में मूव करते हो, दूसरे कॉलम में कैसे मूव कर सकते हो, या तो आप अपने माउस से उस कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, या फिर टैब की प्रेस करके चले जा सकते हैं। दो ही तरीके हैं दूसरे कॉलम में जाने के। क्या, या तो आप क्या कर सकते हो, माउस को उधर ले गए आप अपने उस कॉलम में, दूसरे कॉलम में, भाई मैं भी यहाँ पे हूँ, राइट, और इस वाले कॉलम में आना है, यहाँ पे हूँ इस वाले कॉलम में आना है, तो कैसे आ सकता हूँ, या तो माउस को ले जाके इस पे क्लिक कर दूं या फिर टैब की प्रेस करूं, जैसे अभी प्रेस कर रहा हूं, तो एक एक कॉलम मूव करता है, राइट। तो जो मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ या कर रहा था, राइट, वो वाली वैल्यू डेटा एडिट बफर में जा रही थी। अब एडिट बफर क्या करता है, उस पर कुछ वैलिडेशन लगाता है, इंटरनल वैलिडेशन, बिफोर इट मूव्स टू द नेक्स्ट कॉलम क्या लगाता है। अभी वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन है एंट्री चेक के, भैया ये डेटा मैं एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बंदा कहाँ का है, पाकिस्तान का है, इसको अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है, राइट, बिना वीजा के या बिना इसके। जैसे अमेरिका के अंदर आपको एंट्री करनी है तो यू नीड अ पासपोर्ट, राइट। तो सिमिलरली कि भाई मेरा कॉलम तो डेटाबेस के अंदर डिफाइंड था इंटीजर टाइप का, और भाई आपने कर दी इसके अंदर डाल दिया विनेश, राइट, कुछ वैल्यू टाइप कर दी आपने, तो क्या होगा, तो भाई वो तो नहीं जाएगी। तो कुछ वैलिडेशंस को, दीज आर कॉल्ड सिस्टम वैलिडेशंस, भाई इतनी बात तो पावर बिल्डर भी समझता है कि भाई मैं अगर मेरा कॉलम पीछे से न्यूमेरिक है तो मैं स्ट्रिंग क्यों जाने दूं उसके अंदर, राइट। तो इन सभी चीजों को बफर्स के थ्रू हैंडल किया जाता है, एडिट बफर के थ्रू। तो एडिट बफर क्या करता है, बिफोर इट मूव्स फ्रॉम वन कॉलम टू द अदर कॉलम इट चेक्स द वैलिडेशन रूल्स ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट एवर यू हैव यू नो टाइप्ड। इफ इट पासेस द वैलिडेशन रूल देन इट विल पेस्ट दैट वैल्यू इन दैट कॉलम एंड विल मूव to the next column to get the user input। तो ये column to column move होता रहता है, समझ गए? तो इस तरह से करके आप जो भी type करते हैं वो पहले edit buffer में जाता है, edit buffer आपके column के अंदर paste कर देता है अगर आपके validation rule pass हो जाते हैं। ये कौन से validation, आपने तो कोई validation लगाया, these are called system validations। दो ही तीन होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे न्यूमेरिक के अंदर कोई स्ट्रिंग ना भेज पाओ आप, न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक की वैल्यू ही जानी चाहिए, या डेट टाइप का कोई फील्ड लिया हुआ है आपने और टाइप कर दो यू नो अपने विलेज का नाम, इट विल नॉट एक्सेप्ट, राइट, इट शुड बी इन डेट फॉर्मेट। तो वो चेक करता है उसका बेसिकली फॉर्मेट, उसका टाइप, इफ इट मैचेस विद योर कॉलम्स डेटा टाइप देन इट हैज नो प्रॉब्लम, इफ इट अदरवाइज
it will throw a message that boss, you cannot, this value does not pass validation test. तो ऐसा करके एक एडिट बफर भी पिक्चर में आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि प्राइमरी बफर समझ में आ गया, डिलीट बफर समझ में आ गया, ओरिजिनल बफर समझ में आ गया, फिल्टर बफर समझ में आ गया, एडिट बफर अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा करके, और अगर प्राइमरी बफर में डेटा है और आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, यानी कि रो का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड रहेगा, कुछ आपने चेंज कर दिया है तो उसका स्टेटस डेटा मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर आपका इस आपने कोई जस्ट नया एक इंसर्ट रो फंक्शन कॉल किया है तो वो एक ब्लैंक रो इंसर्ट करेगा और इसका स्टेटस न्यू मॉडिफाइड कर देगा इफ देयर इज अ चेंज, और इसके बेसिस पे ये इंसर्ट डिलीट अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करता है। तो डिलीट स्टेटमेंट कब जनरेट होता है? सारे स्टेटमेंट एक ही पॉइंट पर जनरेट होते हैं व्हेन यू कॉल एन अपडेट फंक्शन, ठीक है। अब ये जो अपडेट प्रॉपर्टीज है इसका क्या रोल है भैया? विच टेबल यू वॉन्ट टू अपडेट, ओके, यानी कि टेबल नेम पता करो, वॉट ऑल कॉलम्स यू कैन अपडेट। Columns, how many or column names required for where clause? कि कौन-कौन से कॉलम लेने हैं, क्यों जरूरत क्या है इसकी? अरे भाई, अगर आप अपडेट स्टेटमेंट जनरेट करने जा रहे हो, राइट, तो उसका where clause जरूरी है, क्योंकि मान लेते हैं जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, अमित, आप लोग भी सब काम कर रहे हैं, अमित भी काम कर रहा है, ब्रिज भी काम कर रहा है, अनुभव भी काम कर रहा है, राइट, एक ही स्क्रीन पे हमने सेम रिकॉर्ड को एक्सेस कर लिया। जैसे एक कोई एम्प्लॉई है, उसका रिकॉर्ड हमने, अमित करके एम्प्लॉई है, उसका रिकॉर्ड हमने एक्सेस कर लिया, राइट। अब वो एम्प्लॉई की टेबल है, उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉई आईडी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर वेयर क्लोज के अंदर केवल एम्प्लॉई आईडी, अब मैंने क्या कि तीनों लोगों ने हमने चेंज कर लिया उसके अंदर, राइट, कि भैया जो एम्प्लॉई आईडी 10 है इसकी तनख्वाह 100 रुपए से 200 रुपए कर दी, राइट, या एक तो अमित ने खुद की तनख्वाह उसने 1000 रुपए बढ़ा ली, या मतलब कहने का ये हुआ कि हर किसी ने अलग अलग वैल्यू डाल दी, तो किसके चेंजेस सेव्ड रहेंगे? जो बाद में चेंज करेगा। अगर मैंने एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 10 रखा हो, मतलब एम्प्लॉई आईडी के बेस पे अपडेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके पावर बिल्डर ने भी यही वाला स्टेटमेंट जनरेट किया, कौन सा? अपडेट, मान लो EMPLOY एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू जो भी आप लेकर के जाओगे, वेयर EMP_ID इक्वल टू जो भी कॉलम है, एम्प्लॉई लेस 10, राइट, तो अगर तो अब आपने भी लेट्स से अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू किसी ने 100 कर दिया, किसी ने इसी एम्प्लॉई का 200 कर दिया, राइट, किसी ने इसका 300 कर दिया, ऐसा करके, तो किसके चेंजेस? जो भी बाद में सेव करेगा उसके चेंजेस डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगे, राइट। तो ये तो पंगा हो गया ना, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए कि एक काम करना चाहिए कि जो ओरिजिनल बफर के अंदर वैल्यूज थी वो तो पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो मुझे इसके अंदर मान लो इसकी जो सैलरी थी 50 थी, करेक्ट, इसकी जो सैलरी थी वो 50 थी पहले, अब किसी ने 100 कर दी, किसी ने 200 कर दी, तो
अब अगर मैं इसके अंदर ये लगा दूं एंड सेल इक्वल टू 50, तो क्या होगा भाई? अगर तो जिसने भी पहले अपडेट किया होगा केवल उसके चेंजेस रहे, करेक्ट? क्यों? क्योंकि भाई मैं सैलरी तो तब बढ़ा रहा था जब सैलरी 50 थी, राइट? सो लेट्स ऐड दिस सेल कॉलम आल्सो इन दिस वेयर क्लॉज। तो ये ज्यादा परफेक्ट हुआ ना, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। अगर बिना इसके, ऐसा नहीं है कि ये बिना इसके गलत है, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहा हमारे लिए डिसाइड करना कि भाई मैं सेल, अगर किसी को करना तो फिर से रिट्रीव करे और चेक करे कितनी सैलरी हो गई है, उसके बाद ही बढ़ानी है तो भाई ठीक है, फिर से बढ़ा दे, फिर अपडेट कर दो। तो इस वेयर क्लॉज में कौन कौन से कॉलम्स ऐड होने चाहिए ये मुझे कहां से पता चलता है? अपडेट प्रॉपर्टीज से एक्चुअली। और ये टेबल का नाम कहां से पता चलता है? अपडेट प्रॉपर्टीज से। अब आप कहोगे सर टेबल तो एक ही होती है, उसमें कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि टेबल एक ही है वहां पे। हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन टेबल वेयर क्लॉज में रख सकते हैं, सॉरी फ्रॉम क्लॉज में रख सकते हैं, राइट? तो उस टाइम पर मुझे कैसे डिसाइड करना होगा कौन सी टेबल अपडेट करनी है, ये बात भी हमें अपडेट प्रॉपर्टीज बताती है। अब मैं क्या चाहता हूं कि कुछ कॉलम्स को रीड ओनली कॉलम रखना चाहता हूं, मतलब इन कॉलम्स को मैं अपडेट नहीं करना चाहता हूं, तो कौन कौन से अपडेटेबल कॉलम होने चाहिए ये बात भी हमें अपडेट प्रॉपर्टीज ही बताती है। तो अब आपको समझ में आ गई इंपॉर्टेंस ऑफ दी अपडेट प्रॉपर्टीज, राइट? नाउ लेट्स चेक दी अपडेट प्रॉपर्टीज, ये कहां से मिलती है। आप लोग ये काम करो, कोई अपनी एक स्क्रीन शेयर करो और उसमें डेटा विंडो ऑब्जेक्ट ओपन करो और उस डेटा विंडो ऑब्जेक्ट की हम अपडेट प्रॉपर्टीज देखते हैं। किस कौन अभी अपने कंप्यूटर से लॉग इन है? लेकिन आप वो शेयर नहीं कर पाते ना बिकॉज ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ। अच्छा आप भी हो, तो एक डेट तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, तुम ही करके दिखाओ। तो 15 अगस्त का यार गाना बंद कर दो, अभी हो गया बस। हाँ 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 दिख रहा है, बट आप कोई डेटा विंडो तो ओपन करो। अभी आपने सेव करके रखा है, अगर उस वर्कस्पेस पे क्लिक करोगे तो वो आया था कि इस डेटा विंडो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करो, राइट क्लिक करके कर सकते हो वहीं पे। मॉडिफाई करो, यानी यहां मत कर जाओ, डेटा विंडो ऑब्जेक्ट पे जाओ, फिर राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर।
लिए अभी हम लोगों को अपडेट। हाँ अब देखो तो इधर रन करके दिखा ना, मैन्यू रन रोज रोज में जाओ, रोज सबसे ऊपर जो मेन्यू फाइल एडिट व्यू इंसर्ट डिजाइन रोज रोज पे क्लिक करो, हमें नहीं दिख रहा है। हाँ तो अपडेट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो क्या। हाँ अब इसको खोल कर रखा रहने दो। हाँ आप देखो वो क्या करता है कि जो टेबल टू अपडेट, तो कौन सी टेबल अपडेट करनी है वो यहाँ से पिक, क्या वेयर क्लॉज फॉर अपडेट और डिलीट ना, वेयर क्लॉज फॉर अपडेट एंड डिलीट स्टेट। तो इसमें तीन ऑप्शन, की कॉलम की एंड अपडेटेबल कॉलम की एंड मॉडिफाइड कॉलम, राइट। तो ये जो की कॉलम है, की कॉलम का मतलब ये होता है कि भैया केवल प्राइमरी की कॉलम ऐड करो। ओके जैसे हमने एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 10 लिखा, की एंड अपडेटेबल कॉलम्स, अपडेटेबल कॉलम्स तुम नीचे देख सकते हो, बड़ी यह मेथड होता है वो यही होता है, की एंड अपडेटेबल कॉलम ये देख सकते हो अपडेटेबल कॉलम। तो ये जो अपडेटेबल कॉलम्स हैं ये सारे सेलेक्टेड हैं, तो ये सारे कॉलम्स आपका वेयर क्लॉज का पार्ट हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ जितने भी पहले सेव किया उसका डेटा सेव हो जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू से मैच कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी ने बाद में किया उसका नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर से रिट्रीव करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर तब जाकर के अगर उसको चेंज करना। तो अब तीसरा क्या है, की एंड मॉडिफाइड कॉलम, तीसरा है की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स। तो की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स क्या होता है, तो ये कहता है कि अगर आपके पास 10 कॉलम है, 10 कॉलम में से मान लो एक ही प्राइमरी की है जो कि आपका एम्प्लॉय आईडी, तो उसको इंक्लूड करो प्लस जो कॉलम आपने चेंज किया है, लेकिन केवल जो मॉडिफाई किया है उसको वेयर क्लॉज में और उसके साथ। जैसे हम लोग सैलरी बढ़ा रहे थे, तो अगर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होता की एंड मॉडिफाइड कॉलम्स, तो वो क्या कर लेगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू जो भी पुराना वाला एम्प्लॉय आईडी था और डिपार्टमेंट इक्वल टू जो भी पुराना वाला डिपार्टमेंट, राइट। अब मान लो तो ये हो गया उसका की एंड मॉडिफाइड, यानी कि जो भी चीज आपने चेंज की है केवल उसको वेयर क्लॉज के अंदर ले लो, सब खाली। इस तरह से करके ये चीजें पावर दी हुई है। टेबल कहाँ से पता चला, टेबल टू अपडेट से। वेयर क्लॉज कैसा होना चाहिए वो चला हमें इस वाले पोर्शन। एक चीज और बचती है वो है यूज डिलीट देन इंसर्ट या फिर यूज अपडेट। ये क्या होता है, और उसके नीचे है यूनिक की ना, उसके नीचे है यूनिक की। बेसिकली क्या होता है, डिफॉल्ट जो आपकी प्राइमरी की है ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होती है, या फिर आप प्राइमरी की पे बटन दबाओगे तो वो केवल प्राइमरी की को सेलेक्ट, ठीक है, जो कि हेल्प करती है आपको वेयर क्लॉज के अंदर। अगर आपने की कॉलम्स जनरेट किया है तो उसको कहाँ से पता चलता है कि मुझे वेयर क्लॉज में केवल प्राइमरी की रखना है या मॉडिफाइड कॉलम्स भी, यही से पता चलता है। ठीक, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू ऐड मोर देन वन तो आप यहां से भी ऐड कर सकते, यहाँ पे वो यूजर की वाला ऑप्शन आ रहा। अच्छा तो इस तरह से आपको इस अपडेट प्रॉपर्टीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यूज डिलीट एंड इंसर्ट या फिर यूज अप। होता क्या है, देखो जो आपका अपडेट स्टेटमेंट है
जरूरी है कि आप अपडेट स्टेटमेंट देखो, आप डिलीट और इंसर्ट से भी काम चला सकते हो. व्हाट डज इट मीन? होता क्या है, होता क्या है कि होता क्या है कि आप जब लो आपके पास कोई रिकॉर्ड है ना, एक एम्प्लॉई टेबल है, तो एम्प्लॉई टेबल के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड फादर नेम, राइट. मान लो आपने क्या किया, फादर नेम चेंज कर दिया, ठीक है, राइट. तो या तो आप एक अपडेट स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अपडेट एम्प्लॉय टेबल दैट फादर नेम इक्वल टू नया वाला फादर नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी, या तो ये लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, पुराने वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो और नया वाला रिकॉर्ड इंसर्ट कर. इस तरह से करके यू कैन यूज डिलीट देन इंसर्ट, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी वाली जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो सारी की सारी रखनी पड़ेगी, है ना. और अपडेट की जगह दो आपके आप अपडेट की जगह दो स्टेटमेंट हो जाएंगे, इंसर्ट एंड डिलीट, ओके, विच इज नॉट राइट. मतलब दो स्टेटमेंट उसको रन करने पड़ेंगे. तो वो ये आपको समझना है, ये वाली जो अपडेट थी इसका ये पर्पस है. ऐसे ही करके बंद करो, इसको कैंसिल करो. अच्छा एक सेकंड कि ये जो आपके पास ये अपडेट प्रॉपर्टी नहीं, नहीं, हाँ दोबारा थोड़ा स्लो है आप यहाँ. अगर आप ये, अगर ये जैसे अलाउ अपडेट है ना, चेक्ड है पहले से, अगर इसको आपने अनचेक कर दिया तो भले से आप dw_1.update लिखो, ये अपडेट नहीं कर पाएगा, ये रीड ओनली, समझ गए. तो इसका चेक होना जरूरी है. या जो आपको नीचे अपडेटेबल कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स जो भी आपके डेटा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, सारे कॉलम्स सिलेक्टेड होते हैं, अपडेटेबल कॉलम्स होते हैं, अगर इसमें से आपने किन्हीं दो को या एक को ऐसा करके अनसेलेक्ट कर दिया, क्लिक करो किसी कॉलम पे, अभी उस सेक्शन के अंदर जो अपडेटेबल कॉलम्स दिख रहा है, नहीं वो तो आप कॉलम थोड़ी था, वो तो नीचे नीचे, हाँ. तो अब क्या होगा, भले से ये कॉलम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आप किसकी लेकिन वैल्यू चेंज करोगे तो ये डेटाबेस के पास नहीं जाएगा, ये डेटाबेस के पास नहीं जाएगा क्योंकि आपने इसको रीड ओनली बना दिया है. तो डेटा विंडो को अगर पूरी को रीड ओनली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अलाउ अपडेट पे उसके चेक बॉक्स को बंद कर दो, मतलब अनचेक कर दो. सिमिलरली अगर किसी कॉलम को रीडेबल बनाना है तो उसको डीसेलेक्ट कर दो यहां से. ये हमारी अपडेट प्रॉपर्टीज. हाँ तो ठीक है गुड है फिर. तो कहने का मतलब, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था इसलिए आई कांट एक्सपेक्ट द आंसर्स फ्रॉम योर एंड, बट दैट इज फाइन, है ना. तो ऐसा करके, बट आपको ये समझ में आनी चाहिए. सी द थिंग इज, अगर कोई चीज समझ में आ जाती है तो वो काफी टाइम के लिए याद रहती है. अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी, रट लिया अभी, तो फिर वो आप कल फिर कंफ्यूज कर देगा आपको. तो समझ में आना बहुत जरूरी है, और इस हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, और अगर आपको वो रीजन समझ में आ गया तो आपको वो चीज दिमाग में लाइक बैठ जाती है, सेट हो जाती है. तो हमें रीजन और उसका यूज समझना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती है. तो ये था आपका अपडेट प्रॉपर्टीज. अच्छा वैसे अब इसको बंद करो जरा, अपडेट प्रॉपर्टीज को फिर से रोज के अंदर वो जो मेन्यू था उसके उसमें जाओ, रोज
अब इसमें देखो यार डिले हो। हाँ अब देखो इसमें ना सॉर्ट है, सॉर्ट देखो, सॉर्ट पे क्लिक करो ऊपर, सबसे पहला जो है ऊपर ऊपर। हाँ तो वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे कॉलम्स दे देता है ना। तो वो ये कहता है कि भैया अब जैसे डेटाबेस है ना, डेटाबेस में आप कैसे सोर्ट करके लाओगे डेटा, वहीं से डेटाबेस से आप ऐसे सोर्ट करके लाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ऑर्डर बाय क्लोज यूज करोगे, ऑर्डर बाय दिस कॉलम आईडी, तो क्या होगा वो डेटाबेस के एंड पे ही सोर्ट कर लेगा, फिर आपको डेटा भेज देगा। लेकिन सोचो आपने एक, हमने ऐसी फंक्शनल, अब मान लो अमित को तो मजा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मजा इन द सेंस रिक्वायरमेंट है ना, और आपको सोर्ट करना है नेम के बेसिस पे राइट, या असेंडिंग ऑर्डर में कोई डिसेंड, तो आप बार बार डेटाबेस को ऐसा करके बताओगे, ऐसा करके करोगे तो डेटाबेस के लिए काम बढ़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि आप मार्केट से आलू लेने गए, कुछ छोटे आलू थे कुछ बड़े आलू थे, आप तो जल्दी जल्दी में, दुकानदार के पास टाइम है नहीं वो सबको काम करके दे राइट, तो वो क्या करेगा, या तो वही छाट करके रखे सबको इधर से उधर, तो तुम क्या करोगे ले आओगे और घर पे ला करके उसको छटनी कर लोगे, ऐसे करके ऑर्डर रख लोगे कि पहले छोटा फिर बड़ा, और ऐसा करके पहले मेरे को छोटे खाने फिर बड़े खाने हैं, किसी को पहले बड़े खाने फिर छोटे खाने हैं राइट। तो ये पावर बिल्डर की ही खासियत है, इसी वजह से पावर बिल्डर महान है ठीक है। तो ये सपोर्ट कर सकते हो आप, मतलब ये क्या करेगा डेटाबेस में सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऐसे ही करके रन करेगा, डेटा ले आएगा पावर बिल्डर के पास, और पावर बिल्डर वहां पे ला करके अपने आपकी जो मेन डेस्कटॉप है, जो लैपटॉप है, वहां पे उसकी पावर को यूज करेगा और सॉर्ट कर लेगा, बेसिकली पावर बिल्डर की फंक्शनैलिटी को यूज करेगा सॉर्ट कर लेगा। अच्छा ऐसे ही करके आप इसके नीचे था एक फिल्टर, वो खोल लो जरा, अपन कर दो। हाँ ठीक है, तो आप देख रहे हो है ना, इसमें आप किसी भी तरह का फिल्टर लगा सकते हो, क्लिक करो सोसाइटी आईडी, उस कॉलम पे क्लिक करो, हाँ इक्वल टू 10 लिखो, 10 हाँ, अब इसको वेरीफाई करो। हाँ वो कहता भाई साहब आपने फिल्टर बहुत बढ़िया लगाया है ठीक है, क्यों कह रहा है ऐसे, वो इसलिए कह रहा है कि ये फिल्टर आपका चलेगा क्योंकि कॉलम का नाम सही है, और इसकी जो आगे आपने वैल्यू दी है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये आपका काम करेगा ठीक है। अगर इसको ओके करो, यहाँ पे ओके बंद करो इसको बॉक्स को, हाँ अब ये सोसाइटी अंडरस्कोर आईडी का आईडी हटा दो ऊपर, यहाँ पे आपको लिखा होगा, आप जरा वेरीफाई करो। वो कह रहा भाई साहब मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने ये क्या लगा राइट, तो वो वेरीफाई करता है बेसिकली ठीक है। तो और ये क्या करेगा, डेटाबेस सारा डेटा लाएगा, लेकिन फिल्टर कहाँ करेगा, आने से पहले, फिर क्या करेगा प्राइमरी बफर में वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो इस कंडीशन को मैच करेंगे, मैच रिकॉर्ड्स विल गो टू दी फिल्टर बफर राइट, परफेक्ट। इसके अंदर और भी बड़े सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना लैपटॉप में बड़े सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उन फंक्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से करके, यही पावर है पावर बिल्डर की, इसलिए इसका नाम पावर बिल्डर रखा गया है। बंद कर दो इसको, जरा फिर से जाओ रोज के अंदर, अब आप ये देखें क्या है रिट्री, मैंने भी ना देखा, दिखाना क्या, ओ वो डेटा रिट्रीव, डिजाइन टाइम पर जब आप काम कर रहे हो आप डेटा देखते हैं उसके अंदर, तो ये वो रिट्रीव थोड़ा वो तो ऐसे ही, ऊपर जाओ फिरोज के अंदर जाओ, तो रिट्रीव हाँ, तो सॉर्ट समझ में आ गया, फिल्टर समझ में आ गया, रिट्रीव समझ में आ गया, अब ये है रिट्रीव ऑप्शन, रोज एज नीडेड, रोज टू दिस, रोज एज नीडेड, अब ये क्या बोला है, मान लो आपने रिपोर्ट वाली स्क्रीन बनाई हुई, हाँ अब वो अब आपकी टेबल
में 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है, आपकी टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड को डेटा लाने में, 1 लाख रिकॉर्ड डेटा लाने में क्या होगा भाई, टाइम लगेगा राइट, क्योंकि डेटा ज्यादा है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि जैसे जैसे डेटा मिलता जाए, डेटा वैसे ही वैसे दिखता जाए भाई, तो आपकी स्क्रीन पर तो मुश्किल से 1000 रिकॉर्ड आ सकते हैं, 100 रिकॉर्ड आ सकते हैं राइट। जब आप उसका वर्टिकल स्क्रोल बार को नीचे डाउन करोगे तभी आपको और डेटा दिखाई देगा राइट। तो रोज एज नीडेड हम वहां पे यूज करते हैं, अधिकतर रोज एज नीडेड बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं बाय डिफॉल्ट रोज एज डिस्क होता है, ठीक है। तो वो अगर मैं इसको कर दूंगा रोज एज नीडेड, तो जैसे जैसे आप वर्टिकल स्क्रोल पे क्लिक करोगे तो करके देख लेना कि रिपोर्ट टेबल के अंदर 50-60 यू नो लाइक डेटा डाल देना, फिर देखना कि आप कितना डेटा दिख सकता है। जब तो मतलब बेसिकली कहने का ये है कि जितना आप विंडोज में फिट हो सकता है उतना डेटा वो एक बार में ले आता है, मतलब 10 रिकॉर्ड 50 रिकॉर्ड, नेक्स्ट सेट ऑफ रिपोर्ट तो तभी लेकर के आता है जब आप वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक कर। रोज टू डिस्क का मतलब ये होता है कि भाई पहले ले आ सारा का सारा डेटा, तो डिस्क कर। के नीचे सप्रेस रिपीटिंग वैल्यूज क्लिक करो। हाँ, इसमें ये कहता है कि मान लो कि किसी एक कॉलम की वैल्यू रिपीट हो राइट, एक कॉलम की वैल्यू, मैं क्या चाहता हूँ कि भैया वो वैल्यू मुझे एक ही बार राइट, तो मैं उस चीज को यहाँ पे सेट कर, भाई मान लो 4 एम्प्लॉइज हैं एक ही गांव के राइट, तो उसका उनका सबका एड्रेस मतलब विलेज नेम सेम होगा राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, लेट मी शेयर माय, हाँ आप अपनी अनशेयर कर दो, पावर बिल्डर खुली रहने दो। हाँ तो देखो ये था, अगर जैसे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा डेटा अगर ऐसे है एमपी नेम और विलेज राइट, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 राइट, क्या बचा मैं, हाँ पवन ब्रिज ना और प्रियंती 500 राइट। तो मान लो सर गांव भी पालन है, सबका हमारा गांव मान लो पालन राइट, तो सप्रेस का मतलब जो है कि डेटा को ऐसे ना दिखा करके मैं क्या करूंगा, इस डेटा को ऐसे कर, समझ गया, बस ये सप्रेस हो गया। हाँ सप्रेस का मतलब क्या होता है ये बता, चलो मैंने स्टॉप करते, तुम शेयर करो और सबको दिखाओ। हाँ कैंसिल करो इसको, सप्रेस का मतलब आपको समझ में आया, कैंसिल कर दो, अब जाओ फिर टर्न में जाओ। हाँ उसके नीचे तो आपने अभी अपडेट प्रॉपर्टीज चेक की है ना, उसके बाद है स्टोर्ड प्रोसीजर्स अपडेट ना, तो अभी आपने क्या किया है तो बाद में बताऊंगा डिटेल में, बट अभी एक लाइन बता देता हूँ। जैसे आपने क्या किया कि डेटा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक टिपल यूज किया, उसकी जगह हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर भी यूज, बाकी चीजें हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, हम एक प्रोसीजर बैकएंड में क्रिएट कर लेंगे। अगर अभी के लिए आपसे कोई पूछता है कि कैन वी यूज स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटा विंडो ऑब्जेक्ट, आप कहोगे यस सर वी कैन डू दैट बट आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू यूज दैट, ठीक है, और वी आर नॉट यूजिंग इन आर प्रोजेक्ट। आ गया क्रिएट ग्रुप, है ना, मैं ये ग्रुप का मतलब आप शेयर करना, मैं शेयर करूँ।
क्या होता है पावर बिल्डर में ये बताता हूँ। ध्यान शेयर। देखो है, मान लो इन लोगों का डिमांड इसका था चीज, इसका भी सेल्स, इसका एचआर और इसका भी एचआर, राइट। ये डेटा ऐसे दिख रहा था मुझे, बहुत बढ़िया दिख रहा था। अब इसकी तनख्वाह क्या है, सैलरी इसकी है 1000, इसकी है 1500 और इसका है 1600 और इसका है 1500। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसी रिपोर्ट के अंदर, है ना, कि यार जो डिपार्टमेंट लेवल पे ये मेरे को ग्रुपिंग करके दिखा दे। तो यहाँ पे दिखना चाहिए मेरे को, तो इसने क्या किया डिपार्टमेंट लेवल पे ग्रुपिंग करके सम कर दिया। तो मुझे एक ही रिपोर्ट के अंदर सबकी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सैलरी भी मिल गई, तनख्वाह दिख गई और उस डिपार्टमेंट लेवल पे ग्रुपिंग भी मिल गई, राइट, एक ही रिपोर्ट में, एक ही रिपोर्ट के अंदर। सो दिस इज हाउ वी यूज ग्रुपिंग। अब मैंने आंसर समझ में आया, देखो एक्चुअली क्या है कि अगर आपने dw_1.retrieve किया, राइट, तो वो क्या करेगा, वो आपने ग्रुपिंग अभी तक तो की नहीं थी, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये डेटा दिखा देगा, चार रिपोर्ट दिखा देगा, चार ही रिपोर्ट थे आपकी टेबल में मार, राइट। बट आप ये चाहते हो कि नहीं यार मुझे ना डिपार्टमेंट लेवल पे ग्रुपिंग करनी है, मतलब मेरे को डिपार्टमेंट लेवल पे उसका सम करके देखना है, वो कर देगा कि मतलब यू नो लाइक सो दैट आई कैन टेक डिसीजन, राइट। तो इसीलिए सेल्स की, सेल्स वाले बंदों की में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, इनकी तनख्वाह का सम यहाँ पे आ देगा। ₹1500+1000 यानी 2500 रुपए में आज की डेट में सेल्स डिपार्टमेंट पे खर्च कर रहा हूँ। ऐसे ही हाँ ग्रुपिंग कर दिया आपने क्या, तो ऐसा के आपका ये, चलो मैं अनशेयर करता हूँ, अब आप फिर से जाओ अब जरा डिजाइन पे जाओ, इस डिजाइन में सबसे दो ही चीजें मेन होती हैं, एक तो डेटा सोर्स, एक ऑप्शन, ना ये एक्चुअली अगर आप किसी चीज को हाइड कर देते हो ना, तो किसी कॉलम को आपने इनविजिबल बना, तो दो चीजें होती, एक तो होता है ये, तो कैंसिल करो, ये ओके जो भी करना, जैसे एक कॉलम लिखा है role_name, है ना, तो सेलेक्ट करो role_name, कॉलम लास्ट कॉलम। हाँ अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लेफ्ट राइट हैंड साइड में विजिबल प्रॉपर्टीज की है ना, तो अब मैं कहूं आपसे कि इस कॉलम को हटाना है, राइट, तो आप दो तरीके कर सकते हो, एक तो विजिबल प्रॉपर्टीज इसकी अनसेलेक्ट कर दोगे, या फिर
सेव करो। हाँ करो इसको, फिर से बंद करके फिर से करो फिर से। हाँ हाँ करेक्ट। तो बेसिकली हाँ, तो इसका पर्पस ये होता है एक्चुअली, कभी जब आप कंट्रोल्स वगैरह यूज करते हो, ठीक है, एक काम करो, बंद करो इसको कंप्यूटर विंडो। अभी यहाँ पे ये जो न्यू बटन लिखा बटन है ना, जो न्यू बटन है आपका इस विंडो पे, उसको सेलेक्ट करो। हाँ इसकी विजिबल प्रॉपर्टी इसकी सेलेक्ट करो, इसको अनसेलेक्ट करो, सेव करो। फीचर वैसा करते हो, बंद करो इसको डेटा विंडो, इसको विंडो को बंद करो, दोबारा खोलना। वहां पे तो वाली में प्योर थी ना, तो पता नहीं कैसे करके इसमें दिखा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि अब इसको न्यू को सेलेक्ट करना, न्यू को जबकि इसकी फिजिकल एनीवे, तो क्या होता था कि यहाँ से अगर गायब हो गया है इनविजिबल करने के बाद, और आपको फिर से उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वापस कैसे लाओ? में उस हम डिजाइन के अंदर जाकर, डिजाइन में जाओ, में जो ऑप्शंस करके होता है ना, वहां पे उसकी विजिबल प्रॉपर्टीज को ट्रू करने के लिए कर देते हैं, तो वो दिखना शुरू हो जाता है। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? तो गलती से अगर किसी ने इनविजिबल कर दिया है और वो स्क्रीन पर से गायब हो गया है, तो उसको दिखाने के लिए ऑप्शंस प्रॉपर्टीज के अंदर जा करके वो जो शो इनविजिबल करता है ना, वो दिखाने के लिए मोस्ट प्रॉपर्टीज का यूज। एनीवे अभी आप डेटा विंडो, हाँ तो वो था, उस जस्ट बताना चाह रहा था कि ये क्या होता है। फिर से डेटा विंडो को मॉडिफाई मोड में ले जाओ, ये डिजाइन तो रहने रहने तो इन, बस ठीक है, यही मेन चीजें थी इसमें। बेसिकली जो रोज के अंदर चीजें आती हैं, ठीक मेन है, ये जितना भी चीजें मैंने आज आपको बताया है, आपकी ये बुक में भी सेकंड वाली जो बुक है, वो जो सॉफ्ट कॉपी दी थी, वहां पे डिटेल में लिखा हुआ है। एक बार समझने की कोशिश करो कि इवेंट्स वगैरह हम लोग एक अदर कोर्स सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट, और यही क्रक्स बेसिकली ये, और प्लस एक थोड़ा सा जो एक सेशन बचा, अदरवाइज सब कुछ ये वही डेट अपडेट स्टूडेंट ऐसा कुछ इसको यूज करता है। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, इसमें आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब पे डालने के बाद, लेकिन बाद आप